Assalamu alaikum everyone. This is Zilehuma, Huma, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing great. I welcome you all in this video lecture where I'm going to discuss chapter number 5 which is The Piece of String. So basically this story is written by de Maupassant who was born in France on 5th August 1850. He is regarded as the best French writer of short stories. He wrote short stories such as The Necklace and Balaumein as well as Poetry, novels, and newspaper articles. He was an author of the naturalist and realist schools of writing. He died in Paris, France on 6 July 1893. Now let's move on to the explanation of paragraph number one, in which there are following complex words. The first word is gigs. While in English it means small two wheeled horse drawn carriage. The second word is वैगन जिसे उर्दू में भी वैगन ही कहते हैं वायल इन इंग्लिश इट मीन्स अ व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स द थर्ड वर्ड इज कार्ड्स जिसका उर्दू में मतलब है ठेला या फिर छकड़ा वायल इन इंग्लिश इट मीन्स अ लाइट टू व्हील ओपन वहीकल पुल्ड बाय अ सिंगल हॉर्स द नेक्स्ट वर्ड इज डम कार्ड्स जिसे उर्दू में भी डम कार्ड्स कहते हैं वायल इन इंग्लिश इट मीन्स अ कार्ड हैविंग अ बॉडी देट कैन बी टेड The second last word is dripping jiska urdu mein hai, tapakna while in english it means falling the last word is shillings jo ke basically ek currency hai in english it means a unit of money used in britain until 1971 now let's move on to the explanation of paragraph number 1 so basically this paragraph starts with the scene where the writer says that there is a huge hall outside of it there are different kinds of vehicles including gigs and cars. Now rich people are attending a dinner in that hall. So the tables are decorated with different kinds of foods like mutton, beef, chicken and all that. अब सब लोग वहाँ पे dinner कर रहे होते हैं और अपनी-अपनी बातों में मसरूफ होते हैं। कोई मौसम की बात करता है कि किस मौसम में कौन सी चीज़ उगाई जानी चाहिए और कोई sales की बात करता है। अब इतनी ही देर गुजरती है कि एक drum beater आ जाता है। और वो एक अनाउंसमेंट करने लगता है और अनाउंसमेंट के लिए वो सबसे पहले ड्रम बीट करता है अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ कि उस ज़माने में जिस ज़माने में ये स्टोरी लिखी गई है तब अनाउंसमेंट करने के लिए बेसिकली ड्रम बीटर्स ही हुआ करते थे तो यहाँ भी यही होता है कि ड्रम बीटर जो है ड्रम बीट करता है और सब लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं अब ज़्यादातर लोग खड़े हो जाते हैं सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो कि अभी भी खाना खा रहे होते हैं और वो लोग सब इंतज़ार करते हैं कि आहर क्या अनाउंसमेंट है एंड देन ड्रम्प बीटर अनाउंसिसम जेम्स पॉकेट बुक विच हैड फाइव हंड्रेड शिलिंग्स एज वेल एज बिजनेस पेपर्स और वो ये भी अनाउंसमेंट करता है कि जो भी ये ब्लैक लेदर पॉकेट बुक वापस करेगा मिस्टर जेम्स को उसको ट्वेंटी शिलिंग्स रिटर्न किए जाएंगे अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर शिलिंग्स क्यों करंसी यूज की गई द रीजन इज दैट दिस स्टोरी वॉज रिटन इन नाइनटीन सेंचुरी सो एट दैट टाइम देयर करंसी द करेंसी यूज इन ब्रिटेन वॉज शिलिंग्स इंस्टेड ऑफ पाउंड्स यानी कि उस टाइम में पाउंड्स की करेंसी बरतानिया में नहीं थी बल्कि शिलिंग्स थी इसीलिए वहाँ पर शिलिंग का रेफरेंस दिया गया है आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी थैंक यू